नमस्कार दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है उसके अंदर आज हम स्टडी करने वाले हैं सेक्शन नंबर 28। सेक्शन नंबर 18 से 27 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हमारा टॉपिक रहेगा सेक्शन नंबर 28। सेक्शन नंबर 28 के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट का मीनिंग क्या होता है? सपोज करो आपने कोई फर्म बना ली है, ठीक है, और उस फर्म के अंदर अगर आप मान लीजिए नए हैं, आपने फर्म बनाई है, आपका कोई ज्यादा नाम नहीं है फर्म का और आप उस फर्म को चलाना चाहते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जिस व्यक्ति को आप जानते हैं कि जो बहुत ही फेमस व्यक्ति है, ठीक है, और उस व्यक्ति का नाम आप यूज करते हैं या फिर आप ऐसे किसी व्यक्ति के सामने ऐसा प्रस्तुत करते हैं बाय वर्ड्स या फिर स्पोकन या फिर रिटन या फिर किसी एक्ट या कंडक्ट के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को कि या फिर वह व्यक्ति रिप्रेजेंट करता है अपने आप को कि वह क्या है उस फर्म के अंदर भागीदार है, ठीक है, और कोई व्यक्ति वहां पर आपकी यह बात या आपकी यह रिप्रेजेंटेशन देखकर क्या करता है फर्म के अंदर क्रेडिट दे देता है, कोई भी शरण दे देता है फर्म को या फिर हम बोले कि इन्वेस्ट कर देता है, तब यह माना जाएगा कि आपने जो एक्ट किया था उस एक्ट की वजह से उस व्यक्ति ने जो शरण दिया है तो वहां पर आपकी लायबिलिटी बनेगी एज ए पार्टनर, जैसे कि आप उस फर्म के अंदर पार्टनर हैं, ठीक है। तो यही चीजें यहाँ पर सेक्शन नंबर 28 के अंदर डिफाइन की गई है। एनीवन Who by word spoken or written or by conduct represents himself or knowingly permits himself to be represented, ठीक है, वहां पर उसने अपनी इच्छा जाहिर कर दी हो, अपनी इच्छा से अपनी रिप्रेजेंटेशन दी हो या फिर वह जानता हो कि मेरी रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है या किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसा बोला हो कि वह व्यक्ति है, वह भी हमारी फर्म के अंदर पार्टनर है, ठीक है, जो कोई एक नामी व्यक्ति हो सकता है। टू बी ए पार्टनर इन ए फर्म, तो वह ऐसे ही माना जाएगा कि वह पार्टनर है फर्म का, इज लाइबल एज ए पार्टनर इन दैट फर्म, तो वह ऐसे ही लाइबल होगा वहां पर उसकी उसी तरीके से जैसे अदर पार्टनर है, अदर प्रतिभागी है, उनकी तरह ही उसकी जिम्मेदारी बनेगी कि वह भी एक पार्टनर है अगर कोई ऐसी कोई घटना घटित होती है तो वहां पर। टू एनी वन हु हैज ऑन द फेथ ऑफ एनी सच रिप्रेजेंटेशन, अगर कोई व्यक्ति उसकी फेथ यानी उस व्यक्ति के फेथ पर, किस व्यक्ति के फेथ पर, जिस व्यक्ति का आपने नाम को इस्तेमाल किया है उस व्यक्ति के विश्वास पर आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है, गिवन क्रेडिट टू द फर्म, उस व्यक्ति की रिप्रेजेंटेशन की वजह से आपकी जो फर्म है उसको क्रेडिट दे देता है, कोई शरण दे देता है, तब वहां पर उसकी लायबिलिटी भी वैसे ही बनेगी जैसे अन्य पार्टनर की होती है, वेदर द पर्सन रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ और रिप्रेजेंटेड टू बी ए पार्टनर डज और डज नॉट नो That the representation has reached the person, so giving credit. अगर वहां पर वह व्यक्ति जिसकी रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है वह खुद देता है या फिर एज ए जैसे कि आप उसकी दे रहे हो और वह जानता है या फिर वह नहीं जानता है लेकिन आपको रोकता नहीं है कि ऐसा नहीं करता है कि आपने मेरा नाम क्यों लिया, आपने मेरे द्वारा यह कार्य क्यों किया या फिर आप मेरा नाम लेके अपने जो कार्य है अपनी फर्म है उसको प्रमोट क्यों कर रहे हो, वह रोकता नहीं है, तब भी माना जाएगा कि वह उसने अपनी कंसेंट दे दी है, ठीक है। यह चीज हमने पहले भी ऑलरेडी जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके अंदर स्टडी की हुई है, अगर कोई व्यक्ति साइलेंट रहता है किसी बात पर तो वहां पर उसकी क्या मानी जाएगी, कंसेंट मानी जाएगी, ठीक है। तो यह चीजें सेक्शन नंबर 28 के अंदर क्लियर हम दोबारा से कर देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति क्रेडिट दे देता है और कोई व्यक्ति है जिसका नाम यूज किया गया है तो वहां पर यही माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने अपनी कंसेंट दे दी है। अब हम आगे बात करते हैं जो क्लोज सेकेंड है इसका, वेयर आफ्टर ए पार्टनर एज डेथ, अगर अब मान लीजिए कोई पार्टनर है, बहुत सारे पार्टनर है, 3-4 पार्टनर है, वहां पर किसी भी एक पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है तो उसके बाद क्या होगा, क्या वह पार्टनर जो होगा जिसकी डेथ हुई थी उसके जो एसेट्स है या फिर हम बोले उसके जो पार्ट था उसका जो शेयर था, क्या वह फर्म के अंदर अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो वहां पर लाइबल होगा या नहीं होगा, उस चीज की हम यहाँ पर बात करेंगे। अब बहुत सारे केसेस आते हैं, क्या होता है कि जैसे पार्टनरशिप कर ली, फर्म बना ली, इन केस क्या हो गया कि 5-10 साल के बाद किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो जो अदर पार्टनर होते हैं उसका शेयर होता है, जो जो डेड हो गया पार्टनर, जिसकी डेथ हो गई पार्टनर की, उसको यूज कर लेते हैं, तब वहां पर उस पार्टनर के LR आते हैं यानी उस पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, उसके बच्चे आते हैं जो भी उसके
जीवित हैं, ठीक है, और वह अपने जो शेयर है, ठीक है, उनके बिहाफ पर उसको क्लेम करते हैं, तब वहां पर क्या होता है, डिस्प्यूट अराइज हो जाता है। तब होल्डिंग आउट सेक्शन नंबर 28 के अंदर डिफाइन किया गया है, वेयर आफ्टर इट पार्टनर हैज डेथ द बिजनेस इज कंटिन्यूड इन द ओल्ड फर्म नेम। अगर वहां पर जहां पार्टनर की डेथ हो जाती है और बिजनेस कंटिन्यूड है इन द ओल्ड फर्म नेम, उसी फर्म नेम से, द कंटिन्यूड यूज ऑफ दैट नेम और ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर एज नेम एज ए पार्ट देयर ऑफ शैल नॉट ऑफ इटसेल्फ मेक हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव और हिज एस्टेट लाइबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर हिज डेथ। तो यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि ना तो उसका शेयर लाइबल होगा, यानी उसका पार्ट लाइबल होगा, उसके जो भी है, जो डिसीज पार्टनर है, ठीक है, उसके एसेट्स लाइबल हो गए, ना उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव लाइबल हो गए, ठीक है। तो वहां पर जो फर्म है, चाहे वह यूज करती रहे, अब जो पार्टनर था वह तो डेड हो गया, उसकी तो मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अब उसका तो कोई रोल ही नहीं है, उसने तो कोई एक्ट नहीं किया, ठीक है। तो सिचुएशन तो अगर वह जिंदा होता तो कोई भी सिचुएशन हो सकती थी, लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ द पार्टनर, अगर आप उसका फर्म का नेम सेम यूज कर रहे हैं जो ओल्ड पहले चल रहा था, ठीक है, और उसका जो शेयर है उसके अंदर फर्म के अंदर ही है, आपने उसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नहीं दिया है, तब वहां पर ना तो उसकी एस्टेट लाइबल होगी ना ही उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव लाइबल होंगे। तो अब हम बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ होल्डिंग आउट। तो कुछ एक इंग्रेडिएंट्स है, क्या है होल्डिंग आउट के, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन बाय स्पोकन रिटन और बाय कंडक्ट। अभी यहाँ पर हम बोलते हैं कि रैमडी कब अराइज होती है, रैमडी जब भी अराइज होगी, कोई एक्ट कंडक्ट हुआ होगा, ठीक है, या फिर कोई स्टेटमेंट हुई होगी जो रॉन्ग होगी, तो यहाँ पर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किसी के द्वारा दी जाती है, रिटर्न में दी जाती है या बाय कंडक्ट दी जाती है, तब वहां पर रेमडी अराइज होती है, ठीक है। नॉलेज ऑफ सच फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, या फिर उस व्यक्ति को नॉलेज हो जिस व्यक्ति का नाम यूज किया जा रहा है, ठीक है, तो वह अगर डिनाई भी कर सकता है, लेकिन अगर वह साइलेंट रहता है और परमिशन दे देता है, तब वहां पर क्या हो जाता है, वह उसकी लाइबिलिटी बनेगी, तब वह मना नहीं कर सकता कि मैं तो पार्टनर ही नहीं था, मेरी क्या लाइबिलिटी है यहाँ पर, वहां पर उसकी फिर लाइबिलिटी बनेगी, ठीक है, आप वहां पर मना नहीं कर सकते अगर आपको नॉलेज है, ठीक है। नॉलेज ऑफ सच फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, उस फॉल्स रिप्रेजेंटेशन की नॉलेज होना, अगर आपका नाम लेके फर्म को आगे बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ थर्ड पर्सन दैट ही इज ए पार्टनर इन ए फर्म, या फिर इन फ्रंट ऑफ थर्ड पर्सन, किसी थर्ड पर्सन के सामने ही इज ए पार्टनर इन ए फर्म, वह जो है फर्म के अंदर एक पार्टनर है। अब हम बात करते हैं।